हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कलिंग वॉरियर को आपको स्वागत। मैं सुजाता, आपको आज मैं कटहल का सब्जी बनाना सिखाऊंगी और मेरे जैसे, मेरा उड़ीसा में जैसे बनता है वैसे दिखाऊंगी। अभी शुरू करती हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैंने ये जो काट के कटहल को रखा है, एक सीटी दे के एक सीटी लगाया है और बॉयल करके कुकर से इसको आलू के साथ रखी हूँ। तो मैं अभी गैस ऑन करूँगी और उसके साथ थोड़ी सी तेल दे दूँगी। तीन चम्मच तेल देना है और हमारा धरो पांच फुटन डालते हैं। ये जो है मेरा मसाला है और ये पांच फुटन भी है, इसमें ये पांच फुटन मैं डालूंगी। थोड़ा कैमरा इधर लाइए। पांच फुटन मैंने डाल देती हूँ। पांच फुटन डालने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, तेज पत्ता भी डालूंगी। तेज पत्ता हमारे इधर बहुत सारा यूज किया जाता है, तेज पत्ता। ठीक है, और मसाला के तरफ से मैंने ली है ये देखिए, ये है प्याज और अदरक और लहसुन का ये मैंने पेस्ट बनाई हूँ, और ये टमाटो का पेस्ट है, दो टमाटो का, और थोड़ी सी देसी घी और नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा सा शुगर भी ली थी, एक पिंच ऑफ शुगर चाहिए। तो इसमें मैंने जो सूखा मसाला ली है, ये धनिया, हल्दी, मिर्ची और जीरा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अभी हम ये जो तेज पत्ता गर्म हो गया और हम क्या करते हैं, मसाला लाते हैं और मसाला डालते हैं। ये चटक गया, चटक करने के बाद हम मसाला डालते हैं। मसाला डालेंगे नमक और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर सब डालेंगे एक एक छोटा स्पून में। इसको अच्छा से भूनेंगे और भूनने के बाद ये गर्म हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें टमाटर का प्यूरी डालेंगे। टमाटर प्यूरी डालने के बाद हम क्या करेंगे कि जो पानी में मसाला बना के उसको रखा था, मसाला का पानी उसको देना है और आधा कप पानी देना है। तो इसमें हमने क्या किया कि इधर अभी थोड़ा फ्राई हो गया। ठीक है, फ्राई हो गया हमारा गैस, फ्राई हो गया, थोड़ा सा फ्राई हो गया। इसमें प्याज भी दे सकते हैं, कटा हुआ प्याज भी आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं। बना दिया मसाला बना लिया ताकि जल्दी से कटहल में सब जाएगा, अच्छा लगेगा। इसके लिए टमाटर का पूरी दिया है, टमाटर का पूरी है, ये बढ़िया से जाएगा।
धनिया पत्ता और देसी घी में अपन को इसको देसी घी को और थोड़ा सा शुगर भी डालेंगे क्योंकि वो थोड़ा कड़ा बन जाएगा इतना सा शुगर है कमी इसमें जो शुगर और घी बंद कर देते हैं गैस पटल का सब्जी और उड़ीसा में हम कहते हैं तरकारी बन गया तो कैसे लगा ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा कैसा लगा थैंक यू वेरी मच नमस्कार देखिए कैसे लगा